ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಗೃತಿ. आरोग्य जागृति में आज हम मिलेंगे डॉक्टर गोपाल बहुरूपी पाटिल जी से, जो अहमदनगर के न्यूक्लियस हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के संचालक हैं और नगर जिले के अलावा पूरे मराठवाड़ा में एक जाना माना नाम है। हमेशा मधुमेह के बारे में अवेयरनेस करते नजर आते हैं, व्याख्यान करके डायबिटीज के मरीजों को एजुकेट करके उनके जीवन में खुशहाली लाने का ईश्वर रूपी काम करते हैं। इनके साथ डॉक्टर चेतना गोपाल बहुरूपी, डॉक्टर सुधीर बोरकर और डॉक्टर शिल्पा बोरकर भी कार्यरत है। आइए जानते हैं डायबिटीज यानी मधुमेह कितना हानिकारक है, क्या इसका इलाज संभव है। साथ ही मिलेंगे डॉक्टर चेतना गोपाल बहुरूपी जी से, जो हमें बताएंगे ऑटिज्म यानी स्वमग्न मतिमंद बच्चों के बारे में, ऐसे बच्चे क्यों पैदा होते हैं और स्वमग्नता के कितने प्रकार होते हैं। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर गोपाल बहुरूपी पाटिल अहमदनगर में न्यूक्लियस हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर बालिकाश्रम रोड नियर इसार पेट्रोल पंप यहाँ पे काम करता हूँ। हमारा 75 बेडेड हॉस्पिटल है, जिसमें 20 बेडेड आईसीयू हैं और बाकी जनरल वार्ड, स्पेशल रूम, रूम्स, ओटी, ऑपरेशन थिएटर वगैरह सब कुछ है। हमारा हॉस्पिटल तीन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा भर दे के काम करता है, जिनमें मेडिसिन डिपार्टमेंट में सबसे पहले है मधुमेह। मधुमेह पे हम ज़्यादा से ज़्यादा व्याख्यान लेके पेशेंट को एजुकेट करते हैं, आपको डिटेल में बताता हूँ क्या करते हैं। तो दूसरा है रूमेटोलॉजी, जहाँ पे संधिवात क्योंकि ये बीमारी भी यंग एज में फीमेल्स में होती है और आगे जाके उनके सांधे पूरे ख़राब होके फिर उनका आगे का ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए उनको भी एजुकेट करते हैं। और तीसरा होता है आईसीयू में, क्योंकि हमारा सेपरेट आईसीयू के पेशेंट्स के लिए एक आईसीयू 24 आवर्स एक आईसीयू स्पेशलिस्ट भी है। अभी मैं बात करता हूँ मधुमेह की। आप सबको पता ही है मधुमेह का प्रमाण इन दिनों में इतना बड़ा है, और ये प्रमाण खाली भारत में ही नहीं तो पूरे जग भर में बड़ा हुआ है। मधुमेह बीमारी तो उसकी जानकारी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये बीमारी सर के बाल से पाँव के नाखून तक हर चीज़ ख़राब करती है। और मधुमेह जैसी अच्छी बीमारी नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर तीन ही चीज़ें मधुमेह अपने को मांगती है, वक्त पे खाना खाना, बराबर एक्सरसाइज करना और दवाइयाँ समय पे लेना, अगर ये तीन चीज़ें अपन ने सही ढंग से किए तो जिनको मधुमेह है उनकी उम्र जिनको मधुमेह नहीं है उनसे भी ज़्यादा होती है। जब ये तीन चीज़ें नहीं होती हैं तभी जाके ये बीमारी अपने को पूरे ऑर्गन्स ख़राब करने में मदद करती है। तो ये प्रकार के हम शिविर लेते हैं, जो शिविर हमारे 3 से 4 घंटा चलते हैं, लेकिन ये शिविर के बाद हर डायबिटीज़ पेशेंट को इतना एजुकेशन मिलता है, जैसे क्या खाना, कैसे खाना, कितने बार खाना, खाने का टाइप कैसा रखना, एक्सरसाइज कौन से टाइप की करना, दवाइयाँ कैसे लेना, जो भी अपने को कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो कॉम्प्लिकेशन स्क्रीन कैसे करना, ताकि कॉम्प्लिकेशंस आगे होके आपकी किडनी, हार्ट, मेंदू ख़राब ना हो, इसके लिए कौन सी जांच सही वक्त पे करना, ये हर चीज़ हम सिखाते हैं। और वो इतने लेवल पे सिखाते हैं कि हर पेशेंट डॉक्टर बन जाता है। अभी जो हमने वर्कशॉप लिया था उसमें भी तकरीबन 1000 पेशेंट आए थे जिनको हम पूरा एजुकेट किया है। आज तक हमने मोर देन 1 लाख पेशेंट को एजुकेशन दिया है और मोर देन 1000 डॉक्टर्स को एजुकेट किया है। ये एजुकेशन का सबसे ज़रूरी मोटो ये है कि आगे जाके जो हमने समझ में आया हमारे, कि हर डायबिटीज़ पेशेंट को आखिरी तक पता ही नहीं चलता कि अपने को क्या करना है। ये बड़े दुर्दैवी की बात है कि पेशेंट को डायबिटीज़ इतने सालों से होता है और उनको कुछ पता ही नहीं होता है। तो जब तक अपन एजुकेट करके वो बीमारी का भय अपने मन से नहीं निकालेंगे तब तक ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती। ये बीमारी का नाम, जैसे मैं बोला, अपना मधुमेह है, कड़ुमेह नहीं है। मधुमेह मतलब सब मीठा ही है, ज़िंदगी भी मीठी है और आगे जाके आपको तकलीफ भी कोई नहीं होंगी। ये तभी जाके खट्टी होती है जब अपन कोई जो परहेज़ करना है परहेज़ नहीं करते, जो एक्सरसाइज करना है एक्सरसाइज नहीं करते, और फिर हम बीमारी को बढ़ने के चांसेस देते हैं। सर, मधुमेह के रुग्ण अब दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, इसका मुख्य कारण क्या होता है और ये बीमारी न हो इसके लिए प्रिकॉशन क्या करना चाहिए? अगर बाई चांस हो भी गई है तो इससे डर के न डरते हुए इसका उपचार कैसा लेना चाहिए?
मधुमेह के मुख्य कारण हैं, सबसे पहले एक्सरसाइज, लैक ऑफ एक्सरसाइज। क्योंकि हम लोग, जैसे हमने देखा है पिछले लोग, जब भी अपने दादा परदादा होते थे, हर चीज़ के लिए पैदल चलना, दंड बैठक निकालना, एक्सरसाइज करना, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा करते थे। अभी की पीढ़ी में ऐसा है, यहाँ से वहाँ जाना भी है फिर भी हम गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो लैक ऑफ एक्सरसाइज है, ये सबसे प्रिंसिपल कारण है जिससे मधुमेह होता है। दूसरी बात, आहार, जितना पोषक आहार अपने को मिलने को होना, आज के भेसड़ मिलावट के ज़माने में अपने को इतना अच्छा पोषक आहार नहीं मिलता है, वो आहार न मिलने के कारण भी मधुमेह के प्रमाण अभी दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। और सबसे ज़रूरी है स्ट्रेस, तान तनाव। तान तनाव आजकल इतना बढ़ गया है, फैमिली में तान तनाव, नौकरी पे तान तनाव, बाहर तान तनाव, रिलेशंस में तान तनाव, इन चीज़ों से अपना मधुमेह का प्रमाण दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। जैसे आपने राइटली पॉइंटेड आउट किया कि जिनको डायबिटीज़ हो चुका है उन्होंने क्या करना है, जिनको नहीं होना है या जिनको हो चुका है, इन सब के लिए ये तीन चीज़ों पे ही गौर करना बहुत ज़रूरी है। आप डेली एक घंटा निकाल के आप अपने एक्सरसाइज करो, ताकि आपकी बॉडी केवल डायबिटीज़ से नहीं तो बीपी, डायबिटीज़, आर्थराइटिस, कैंसर, ऐसे बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज भी खाली एक्सरसाइज यही होता है। एक्सरसाइज के आप प्रवृत्त करो और एक्सरसाइज करो। दूसरी बात, खाना जो भी अपना वक्त पे खाओ, ये वक्त पे बोलो तो सुबह नाश्ता, दोपहर खाना, रात को खाना, हर दो खाने के बीच में 4-6 घंटे का फ़र्क ज़्यादा से ज़्यादा चलता है। ज़्यादा उपवास नहीं करना है। अगर एक्सरसाइज के साथ अपन ने खाने का भी बराबर नियम पाले तो डायबिटीज़ के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तीसरी बात जो है, स्ट्रेस कम करने के बारे में, स्ट्रेस कम करने के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और चौथी सबसे ज़रूरी बात है हैबिट्स, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, टोबैको। क्योंकि अगर तकरीबन आपने देखा है तो जिनको भी डायबिटीज़ है, हम जो हिस्ट्री लेते हैं उनमें से 70% पेशेंट तंबाकू का सेवन करते हैं। तो ये तंबाकू, डायबिटीज़, इनका ऐसा लिंक है, ये इतने बड़े शत्रु हो जाते हैं कि दोनों मिलके जब कोई बीमारी को बढ़ाने की कोशिश, मतलब कोई पेशेंट को होते हैं तो हार्ट अटैक, किडनी फेल और मेंदू के पैरालिसिस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए ये सब चीज़ों पे गौर करना बहुत ज़रूरी है। सर, ये आर्थराइटिस की जो संधिवात की जो बीमारी होती है, ये मेडिसिन में अच्छा होता है या कुछ शस्त्रक्रिया करना पड़ता है? मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे मैंने आपको बताया, अगर ऐसा हुआ है कि संधिवात का बीमारी है लेकिन डॉक्टर को मिले ही नहीं, फिर जॉइंट्स पूरे डिफॉर्म्ड हो गए, हाथ से कुछ नहीं कर सकते, पाँव से कुछ नहीं कर सकते, ऐसे वक्त पे सर्जरी का रोल आता है। नहीं तो 90% ऑफ द टाइम अगर आपने दवाइयाँ सही ढंग से ली तो आपको आगे जाके उसकी तकलीफ कुछ होगी ही नहीं। दवाइयों में भी सबसे ज़रूरी होता है डीमार्ड्स, डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स, जो सही मात्रा में लिए तो आगे जाके तकलीफ नहीं होती है। नई पद्धति आई है जिसको अपन बायोलॉजिकल थेरापी बोलते हैं, जो बहुत ही बेस्ट थेरापी है, जिससे कम से कम साइड इफ़ेक्ट में पेशेंट को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। ज़्यादा दवाइयाँ खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमने हमारे यहाँ कम से कम 500 पेशेंट को बायोलॉजिकल इंजेक्शंस दिए हैं, सभी एकदम अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ हर बार जब भी पेशेंट आता है तब हंस खेल के उनको सब समझाते हैं, ताकि पेशेंट का स्ट्रेस कम हो और पेशेंट को आगे के बारे में सब पता चले। सर, अभी जैसे मधुमेह और जो संधिवात जो बीमारी है, इसके बारे में लोगों में बहुत गैर समझ है। जैसा भी कोई पाले भाजा जैसा भी लोग करते हैं, तो ये बीमारी जड़ से जाती है या फिर इसको मेंटेन करना पड़ता है? बहुत सही सवाल आपने पूछा। जैसे अपने को पता है कि अपने शरीर में 256 सांधे हैं, 256 अलग अलग हड्डियाँ हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम संधिवात भी अगर देखा जाए तो कम से कम 50 से ऊपर ज़्यादा टाइप का संधिवात है, जिसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो बहुत कॉमनली मिलता है, फिर कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, वास्कुलाइटिस है, स्पंडल आर्थ्रोपैथी है, ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जिनके बारे में संधिवात होता है। हमारा संधिवात कौन से टाइप का है, ये इसके ऊपर सब डिपेंड होता है। दूसरी बात, हर संधिवात के पेशेंट में दो प्रकार होते हैं, एक होता है एग्जासर्बेशन और दूसरा होता है रिमिशन। एग्जासर्बेशन होने के बाद पेशेंट को जॉइंट पेन वगैरह ज़्यादा होते हैं, वो उस वक्त दवाई लेके अपने को उसको कम करना पड़ता है। और जब पेशेंट रिमिशन में चला जाता है तो जॉइंट पेन होता ही नहीं है। कौन सा पेशेंट कितने बार एग्जासर्बेशन करेगा ये नहीं बता सकते, लेकिन सबसे बेस्ट वही है कि आप दवाइयाँ कंटिन्यूस रखो,
ताकि आगे जाके दूसरा कॉम्प्लिकेशंस ना हो। और सबसे ज़रूरी है, संधिवात ये खाली सांधों के बीच तक नहीं रहता है, संधिवात की बीमारी में भी मेंदू, नसें, फुफ्फुस, किडनी, ये इन चीज़ों पे भी दुष्परिणाम दिखना शुरू हो जाते हैं। इसलिए खाली जॉइंट पेन नहीं है इसलिए मुझे कुछ नहीं है ऐसा सोच के मत चलो, जॉइंट पेन के साथ बाकी के ऑर्गन्स इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना, ये देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे मधुमेह के बारे में तो मैंने आपको पहले बताया है, मैं आपको इतने सारे एग्जांपल दे सकता हूँ जिनको मधुमेह है लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे मकाम हासिल किए हैं जो जिनको मधुमेह ने उन्होंने भी कभी हासिल नहीं किए। इसलिए मधुमेह हुआ है, मुझे ही क्यों हुआ, मैं आगे कुछ नहीं कर सकता, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो। भगवान ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है, ये बीमारी को आप बीमारी है ऐसा सोच के मत चलो, और जो भी आपको आगे ज़िंदगी में हासिल करना है उसके लिए आप कंटिन्यूस प्रयास करते रहो। डायबिटीज़ नहीं बढ़ेगा इसके कारण, इसके लिए आप आहार, व्यायाम, इन सब चीज़ों का अवलंब करो और दवाइयाँ बराबर लो। बिलीव मी, आपको आपकी ज़िंदगी में कोई भी मकाम हासिल करने के लिए कभी दिक्कत नहीं आएगी। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर चेतना गोपाल बहुरूपी है, मैं न्यूक्लियस हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर में कार्यरत हूँ। सर के साथ मैं भी ओपीडी में रहती हूँ। मेरा एमडी पीडियाट्रिक्स हो गया है, उसमें मैंने फेलोशिप की है न्यूरो डेवलपमेंट एंड लर्निंग डिसेबिलिटी में। तो मैं ऐसे बच्चों के साथ डील करती हूँ जो अध्ययन अक्षमता होती है उनमें, जो स्वमग्न होते हैं और जो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से पिछले होते हैं। तो इसमें मेरे पास ऐसे कैटेगरी के बच्चे आते हैं जो घर पे लेट चलना, कम बोलना या फिर खुद के खुद में ही रहना, व्यस्त रहना, किसी और की तरफ ध्यान न देना, ऐसे बच्चों को हम स्वमग्न बच्चे बोलते हैं या फिर ऑटिज़म, इंग्लिश में से ऑटिज़म भी कहा जाता है। ऐसे बच्चों के साथ मैं उन्हें थेरेपीज देती हूँ, उनका असेसमेंट करती हूँ, उनको किस इसमें डिले है उन जानने के बाद ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, फाइन मोटर थेरेपीज, ऐसे अलग अलग थेरेपीज होते हैं, वो थेरेपीज दिए जाती है उन्हें। तो इनमें भी टाइप्स होते हैं, हाई फंक्शनिंग ऑटिज़म एंड लो फंक्शनिंग ऑटिज़म। तो हाई फंक्शनिंग ऑटिज़म, उनमें आईक्यू नॉर्मल होता है, उन बच्चों के साथ ज़्यादा वर्कअप नहीं करना पड़ता है। बहुत से बच्चे घर में कोई अगर आए तो कम बात करते हैं, पिछले कटे कटे से रहते हैं, बाकी बच्चों के साथ खेलते नहीं हैं। तो ऐसे बच्चे में भी ऑटिज़म के ट्रेट्स होते हैं, मतलब वो स्वमग्न है लेकिन इतना उनमें सीवियरिटी नहीं होते या फिर उनमें उतनी तीव्रता नहीं होती है। तो जो बच्चे अति तीव्र इसके होते हैं उनको लो फंक्शनिंग ऑटिज़म। तो उसमें क्या होता है कि वो बच्चे एक बचपन से ही पिछड़े जाते हैं, मम्मी पापा के साथ अटैचमेंट नहीं होता उनका, मम्मी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं होता, जबकि सामान्य बच्चा, जो नॉर्मल बच्चा मम्मी दूर जाए तो रोता है, वही ऑटिज़म का बच्चा अगर उसकी मम्मी उसे दूर चली जाए तो वो रोता नहीं है। तो ये एक पहला साइन है किसी भी मम्मी को जानने का, अपना बच्चा नॉर्मल है या नहीं है। अगर उसका बच्चा रोता नहीं है, 7 महीने का बच्चा अगर रोए ना, वो छोड़ के चली जाए किसी और के पास, तो ये आप जान लीजिए कि वो आपके बच्चे में कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टी है या प्रॉब्लम है और आपने डॉक्टर के पास आना है। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं जो सीवियर कैटेगरी के, वो अपने में ही रहते हैं, वो कभी भी उठेंगे, कभी भी सोएंगे, कभी भी रोने लग जाएंगे। अगर रास्ते से आप उनके मम्मी पापा रास्ते से लेके चल रहे हैं तो भागने लग जाएंगे रास्ते पे, कुत्ता देख के एकदम से डर के छुप जाएंगे, या फिर अगर कुकर की सीटी भी बजे घर पे तो दुबक के बैठ जाएंगे एक कोने में। मतलब इनमें सेंसरी इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, ये कब क्या करेंगे कुछ बता नहीं सकते, इसलिए इस बीमारी को नाम दें ऑटिज़म या स्वमग्नता। स्वमग्न पेशेंट जो कैसा, जैसा आपने बताया कैसा अपन पहचाने के ये स्वमग्नता है, लेकिन माता पिताओं में इसका अवेयरनेस न होने के कारण वो समझ नहीं पाते हैं, तो इसके लिए ऐसा कोई टेस्ट है जो मम्मी से ही उसका टेस्ट किया जाए पहले? ऐसे एमनियो सेंटेंसेस जिसे कहते हैं वो एक टेस्ट है, लेकिन वो स्वमग्नता के लिए ना होकर बाकी सिंड्रोम्स के लिए होता है, डाउन सिंड्रोम के लिए होता है, एपर्ट सिंड्रोम के लिए होता है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब वो हम लोग थोड़ा मतलब गर्भ का थोड़ा पार्ट निकाल के जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं उसके ऊपर, तो जो सिंड्रोमिक या हेरिडेटरी डिसऑर्डर्स है वो इसमें पता चल जाते हैं। लेकिन ऑटिज़म के लिए क्लियरली अभी तक ऐसे रिपोर्ट्स आए नहीं है कि ये ऑटिज़म आनुवंशिक है, कुछ कुछ ही फ्रेजाइल
इनफेंटाइल एग सिंड्रोम जो है वो एक आनुवंशिक ऑटिज्म है, रेट सिंड्रोम है जो एक आनुवंशिक ये है, मतलब म्यूटेशन वाला से ऑटिज्म है। तो ऐसे दो ही ऑटिज्म के प्रकार है जो कि जेनेटिक इससे है। बाकी के ऑटिज्म के लिए अभी तक पता नहीं चला कि ऑटिज्म क्यों होता है बच्चों में। मैं ये संदेश देना चाहूँगी शादी जो अभी करने वाले जो यंग जनरेशन है उनको, कि रिश्ते में शादी आप अवॉइड करिए पहले तो। अगर आपको मतलब बहुत ही यह हो रहा है कि रिश्ते में शादी बन रही है, तो पहले आप जेनेटिक टेस्टिंग कर लीजिए। और थर्डली, जिनके घर में पुराने मतलब जैसे कोई डिसीजेस है, किसी का चाचा का बेटा कोई बीमार है या कुछ उसको डिसीज़ है, तो ऐसे लोगों ने तो सारे टेस्टिंग पहले कर लेने चाहिए और फैमिली में छुपाना नहीं चाहिए। जैसे हमारे इसमें ये है कि छुपाते हैं कि अगर किसी का बच्चा कुछ पीछे है या कुछ उसको प्रॉब्लम है, तो आगे वाली पार्टी को मतलब आगे वाले जो शादी करने वाले लोग हैं उनको बताते नहीं है। तो ऐसे ना करते हुए ओपनली सब ओपन ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए रिलेशनशिप में। तो उन्हें बताना चाहिए, दोनों साइड के जेनेटिक टेस्टिंग कर लेने चाहिए और उसके बाद शादी करनी चाहिए। थैंक यू। थैंक यू।